Now, bro is not in her. She's a dime. हेलो गाइस, प्रतीक शर्मा है और आज जो है हम यहाँ पर मोटो के जो पल्स मैक्स जो हेडफोन्स हैं उसके जो है हम एक रिव्यू और अनबॉक्सिंग आप कह सकते हो वो देखते हैं कि किस तरीके के हेडफोन्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो इसके पीछे की स्पेसिफिकेशंस क्या लिखी हुई हैं। ये इसकी MRP मेंशन है, वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्ट उस लिंक पर आप क्लिक करिए और सीधा जो है आप इसके बाइंग पेज पर जो है पहुँच जाएंगे, वहाँ से सीधा आप इसको परचेज कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया मुझे हेडफोन लगे थे ये फर्स्ट जिसे मैंने पहली बार देखा था, तो चलिए देखते। वाओ, अच्छी पैकिंग लग रही मुझे काफ़ी इसकी, तो चलिए ये तो पहले वायर हम साइड करते थे इसकी। तो ये जो है हेडफोन, देखिए गाइस, अगर मैं इसको पहले अपना फर्स्ट इंप्रेशन अगर मैं बताना चाहूँ इसके अंदर, तो मुझे पकड़ने में ये हैवी लगा, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, हैवी लगा मुझे ये तो। अच्छा, मतलब अच्छी बात है, वो मटेरियल अच्छा है इसका मतलब। और ये जो है मूव कर सकता था कि आप इजी टू कैरी इसको बनाया गया है कि भाई इजीली जो है इसको कैरी किया जा सके और ये आपके ईयर पे जो है एडजस्ट हो सके है, जिस तरीके से ईयर है। गाइस, आपको एक यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये ऑन द ईयर हेडफोन्स है, नॉट द ओवर द ईयर। तो ये जो है इसकी वायर है, वायर की क्वालिटी जो है मुझे काफ़ी मतलब अच्छी लग रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, टेंगल फ्री काइंड ऑफ इसका बिल्ड है और इसके ऊपर एक इनलाइन आपको माइक्रोफोन भी मिल जाता है टू रिकॉर्ड योर ऑडियो और टू पिकअप कॉल्स एक्सेट्रा। तो ये जो है डायरेक्ट आपका जो है लेफ्ट ईयर के अंदर जो है, जो लेफ्ट साइड वाला जो इसका हिस्सा है वहाँ पर लग जाएगा ये वायर। और ये अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये गोल्डन प्लेटेड जो है इसका जैक है और वायर जो है मतलब सफिशेंट लंबी, मतलब इतनी है कि आपका काम चल जाएगा और ये जो है पूरा मूव हो सकता है ताकि आप इसको आसानी से कहीं पर भी जो है कैरी कर सकें। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल मुझे ये लग रहा है, रबड़ जो इसके अंदर जो अच्छी लगाई गई है, कंफर्टेबल है ये पहनने के लिए और कुशनिंग जो है काफ़ी अच्छे से करी गई है इसकी। और बाकी मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ और क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी और बुरी लगी। तो अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो गाइस, पहली चीज़ तो ये कि ये जो हेडफोन्स है बेसिकली ये जो है ओवर द ईयर है, सॉरी ऑन द ईयर है, ओवर द ईयर नहीं है। तो जिनको आदत नहीं है उनको थोड़ा सा पेन महसूस हो सकता है लॉन्ग टर्म यूजेज के अंदर। बाकी बेस बहुत ही बढ़िया लगा, जो इसका मुझे सिर्फ एक ही कॉन लगा, प्रोज ही प्रोज है इसके अंदर। कॉन यही है कि जो इसका जो हेडबैंड है, जो बैंड है, वो काफ़ी छोटा है। तो अगर आपका सर मेरी तरह बड़ा है तो शायद आपको ये थोड़ा सा ऐसा लगे कि टाइट है या दबा रहा है। बाकी बेस बहुत बढ़िया है, वोकल्स क्लियर, म्यूजिक क्रिप्स बहुत ही बढ़िया, मतलब एक तरीके से ऑल इन प्रोडक्ट मैं इसको कहूँगा। तो चलिए गाइस, बस यही था इसका रिव्यू।